आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड खबर की टीम ने राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस वैभव वालिया से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का यह संकट जो आया है बहुत ही दुखद रहा है। इस संकट में वो हर वार्ड तक राशन व जरूरत का सामान पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हर वार्ड में मलिन बस्ती में रहने वाले जरूरतमंदों को यह जरूरत का सामान व राशन प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि आज हम यमुना कॉलोनी पार्षद सुमित्रा ध्यानी के साथ हमने 70 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन वितरित किया। पार्षद सुमित्रा ध्यानी ने बताया कि जब से कोरोना का संकट आया है तब से ही हम जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं और आज हमने जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया। देखिए, मेरा नाम वैभव वालिया है, मैं युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, युवा कांग्रेस सोशल मीडिया का ऑल इंडिया का अध्यक्ष हूँ, चंडीगढ़ एक राज्य है उसका प्रभारी हूँ और देहरादून का रहने वाला हूँ। देहरादून में ही पैदा हुआ, देहरादून में ही हमने स्कूलिंग करी, कॉलेज किया, तो ये हमारा शहर है, इस शहर से हमारा लगाव है, हमारी मोहब्बत है। कोरोना का जो ये दूसरा काल आया, ये कुछ प्रदेश ऐसे रहे पूरे देश में जो इस काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा उत्तराखंड उनमें से एक रहा। उत्तराखंड के जो कुछ शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, दुर्भाग्य की बात है कि देहरादून उनमें से एक प्रमुख शहर रहा। दूसरे काल में हम लोगों ने ऐसा सदा समा देखा जो जीवन में कभी नहीं देखा। लोगों की इतनी मारामारी, लोग बेड के लिए परेशान हैं, ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। उस दौरान मातमी एक माहौल रहा हवा में। उस दौरान हम लोगों ने मदद करने की प्रयास किया। हम लोगों से जितने लोगों ने रीच आउट किया, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हमने उनको बेड दिलाने का प्रयास किया, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का प्रयास किया, कई तरीके की दवाइयां लोगों को ज़रूरत पड़ी, रेमडेसिविर और दवाइयाँ, हमने वो दिलाने का प्रयास किया। जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी और शांत हुई तो हमने ये महसूस किया कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा है, उन लोगों का रोजगार सारा टूट गया है, चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे ऑटो चलाने वाले हों, चाहे ये ई रिक्शा वाले हों, चाहे मजदूर लोग हों, चाहे छोटी दुकान में काम करने वाले लोग हों। व्यापारियों की दुकान बंद हो गई तो उन्होंने अपने नीचे लड़कों को भी वेतन देना बंद कर दिया। उनका कहना है, भैया जब हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम तुमको कहाँ से दें। तो उस सब के बीच में सरकार ने उन लोगों को कोई राहत नहीं दी, तो हम लोगों ने महसूस किया कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ही हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हम लोग आगे आए, हम लोगों ने उनकी मदद के लिए काम शुरू किया। राशन हम लोग हर वार्ड में जा जा के जो मलिन बस्तियां हैं उनमें देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो हमारे वार्ड के मुख्य लोग हैं उनको मैं फ़ोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भैया अपने वार्ड के जो बहुत ज़रूरतमंद परिवार हैं जो वहाँ पे निवास करते हैं उनकी आप एक सूची बना लीजिए। तो हम एक दिन वार्ड में जाते हैं, उनके घर घर जा जाके उनको हाथ जोड़ के राशन दे के आते हैं और उनका अपना नंबर दे के आते हैं कि अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बताइए। हमारे द्वारा एक कोरोना बचाव किट बनाई गई है जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें N95 मास्क है, सैनिटाइज़र है, मल्टीविटामिन्स है। तो ऐसे जो घर होते हैं जिनमें कोई भी सिम्टम आया है, उसमें पैरासीटामोल है और ये सब है, तो हम वो किट दे के आते हैं। सरकारी किट आने में इतना समय लग रहा है कि लोगों जब तक ठीक हो जाते हैं तब तक सरकारी किट आती है, ज़्यादातर जगह में आती भी नहीं है, तो हम अपनी किट उन लोगों को दे रहे हैं। लोग हमने अपने नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से जारी करे थे, अखबारों के माध्यम से जारी करे थे, उन नंबरों पर हमें लोग फ़ोन करते हैं। जैसे कल रात का ही वाक्य बताते हैं, कल रात एक साथी का कॉल आया, वो हमसे कहता है भैया मेरी मदर एम्स ऋषिकेश में एडमिट थी और वहाँ पे ब्लैक फंगस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो हम जो है उनको डिस्चार्ज करा के अपने घर ले आए हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है और हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम कॉन्सेंट्रेटर ले लें। तो हम लोगों ने अपने प्रयासों से कल उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराया। जो सिलेंडर मांगता है उसको सिलेंडर देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास यदि कोई आ गया तो हम अपनी तरफ से, क्योंकि वो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हम अपनी तरफ से उनको पूरी मदद दे सकें। सर, मैंने देखा कॉलोनी जो वार्ड है उसमें जा रहे हैं, यमुना कॉलोनी वार्ड में बहुत से ज़रूरतमंद परिवार रहते हैं, कई बस्तियां हैं वहाँ पे, बिंदाल की बस्ती है, फिर आपकी ईदगाह के पास में बस्ती है, बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद परिवार हैं। आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही है, कई लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, लेकिन उनको भी हम दोषी नहीं मानते हैं। ये है कि वो भी ज़रूरतमंद है तो लालच में आदमी सोचता है कि नहीं चलो भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जो परेशान होता है वो हर तरह के तिकड़म लगाता है। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है कि हम लोग घर चिन्हित कर रहे हैं, हम लोगों के घर के हिसाब से देते हैं। एक घर में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पैकेट अभी देते हैं हम पूरा का पूरा,
वो उसके लिए हमने लोकल लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ जीएमएस रोड पे, तो यमुना कॉलोनी के मैं हर एक आदमी को नहीं जान सकता हूँ, लेकिन जो यमुना कॉलोनी में ही रहती हैं, जैसे हमारी पार्षद हैं आज उनके साथ में हम वहाँ पे कर रहे हैं सुमित्रा ध्यानी जी के साथ, तो सुमित्रा ध्यानी जी अपने आसपास के सब लोगों को जानती हैं, तो उन्होंने परिवारों की सूची बनाई हुई है। तो हमारी तरफ से प्रयास है कि भाई जरूरतमंद लोगों को जाए, ऐसे ना हो कि भाई कि जरूरतमंद लोग छूट जाएं और एक ही जगह चार चार पाँच पाँच बार चले जाए। हम लोग उस चीज़ को लेकर सचेत हैं और उसको ध्यान में रख के हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बहुत बुरा माहौल अभी चल रहा है, बहुत बुरा माहौल चल रहा है। सरकार नाम की कोई चीज़ लोगों को दिखाई नहीं दे रही, कहीं भी सरकार से कोई राहत नहीं है। जो सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी दूसरी वेव की, जो सरकार को लोगों को बचाने की तैयारी करनी चाहिए थी, वो सरकार दुर्भाग्य की बात है कि अपनी सरकार बचाने की तैयारी कर रही थी, मुख्यमंत्री बदलने में बिजी थी, तो उन्होंने दूसरी लहर की तो कोई तैयारी नहीं की, जिसके कारण ये समा हम लोगों को देखने को मिला। आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में हानि ना हुई हो। तो बहुत एक बुरा दौर बीता है, लोग सरकार से बहुत नाराज़ हैं लोग सरकार से, क्योंकि लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि और तो सब चीज़ें लोगों को मिल जाती हैं, एक वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है आप समझिए कि जो लोग सरकार पे डिपेंडेंट हैं और वही सरकार देने में असफल है। 18 से 45 के लोगों को आप पूछिए कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, स्लॉट ही नहीं मिलता। तो और गरीब आदमी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, अमीर लोग तो फिर भी चलिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कर ले रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो कहाँ से स्लॉट ढूंढेगा, वो कहाँ से एकदम खोलेगा, उसके पास तो राशन तक नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग हर रोज़ राशन की सेवा करते हैं, राशन बांटते हैं। ये जो बात है ना, अभी पूरी तरह से कोरोना नहीं गया है, ये जिम्मेदारी का फैसला होना चाहिए। सरकार को धीरे धीरे ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए कि जो लोग बाजार चला रहे हैं, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग काम धंधे वाले हैं, उनके काम को भी चोट ना पहुंचे, और साथ साथ ऐसा भी ना हो कि हम लोग फिर से पूरा पुरानी गलती कर दें और दोबारा से पूरा का पूरा खोल दें। तो इसमें रिसर्च के साथ में, डेटा के साथ में बहुत ही संयम से फैसले लेने पड़ेंगे। धीरे धीरे आपको खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खोलना है, खोलना है लेकिन धीरे धीरे खोलना है। लेकिन आप पूरी छूट भी एकदम नहीं दे सकते, लोगों के बचाव को भी आपको ध्यान में रखना है। केसेस अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, केसेस अभी भी हैं, हॉस्पिटलों में अभी भी बेड सारे भरे हुए हैं, अभी भी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है। तो बिल्कुल दोबारा से वही गलती करना, क्योंकि कोई चेतावनी तो आई नहीं थी, एकदम से केसेस बढ़ गए थे, और अगर आपने फिर से वही गलती की तो भगवान न करे फिर से केसेस बढ़ गए, तो वो मातमी टाइम नहीं देखना है किसी को भी। तो इसलिए धीरे धीरे संयम के साथ में खोलना चाहिए, लेकिन उसकी नीति बनानी चाहिए कि भैया पहले अगर आप 2 दिन करा है तो 3 दिन कर दीजिए, इस तरह से धीरे धीरे करके खोलिए। इससे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को राहत दीजिए, सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए, बिजली के बिल लोगों के माफ़ करने चाहिए, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके, जो जिन लोगों की बिल्कुल नौकरियां चली गई है उनको कोई ना कोई सरकारी भत्ता मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, आधार कार्ड लेके जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो बहुत मजबूर हैं, जिनकी नौकरियां चली गई है, उनको थोड़ी मदद देनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मानवता बड़ी होती है ना, अगर कोई ज़रूरत में है, और ये ज़रूरत ऐसी भी नहीं है, ये तो जान बचाने की ज़रूरत है। इस समय तो आदमी अगर किसी को समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया तो आप समझिए आप एक जीवन बचा रहे हैं। अब आप जीवन में ये नहीं देखेंगे कि यार ये जीवन भाजपा वालों का जीवन है, ये कांग्रेस वालों का जीवन है, या ये गैर राजनीतिक है, या ये हमें गाली देने वाला है, तो वो मानवता के खिलाफ बात हो जाती है। तो हमने तो, मैं आपको सही बात बताऊं ईमानदारी की, हमने भाजपा वालों के यहाँ भी सिलेंडर दिया, भाजपा के बड़े नेताओं के यहाँ हमारे सिलेंडर रखे रहे, घूम घाम के हमने किसी को दिया, उन्होंने आगे दे दिया, फिर हमने उनके घरों से वापस मंगाया। तो वो ये कोई बात नहीं है, इसमें आप ये नहीं देखोगे। अच्छा एक और बात है, ज़्यादातर लोग जो रीच आउट करते हैं आप उन्हें जानते ही नहीं हो, जो फ़ोन कर रहे हैं आप उनको पहले से परिचित नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप तो बस पूछते हो भैया हाँ, और 2 मिनट की बात होती है कि भैया की क्या ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, अच्छा बहुत परेशान, कोई बात नहीं आ जाओ, मैं आ जाता हूँ, या आप आ जाओ, और उनको दे देते हो। उसके बाद में वो कभी मिलना नहीं है, कभी बात नहीं है, ज़्यादातर लोग जिनकी मदद किया दोबारा उनसे मिले भी नहीं। देहरादून के सभी लोगों से, आपके टीवी चैनल के सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि कोरोना काल अभी नहीं खत्म हुआ है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छेड़नी है। केसेस भले ही नीचे आ गए हों, लेकिन ये मास्क आपको नीचे नहीं करना है, बाहर जाएं तो मास्क लगा के ही जाएं, वैक्सीन जैसे भी मिल रही हो, जब भी मिल रही हो, जरूर लगवाएं, दूसरी वैक्सीन का जैसे टाइम आ जाए लगवाएं, अपने और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, अपने मित्रों का ध्यान रखें, कोई ज़रूरत में हो तो उसकी मदद को आगे आएं, कोई परेशान हो तो उससे फ़ोन पे बात जरूर करें। मानवता जिंदा रहनी चाहिए और लोग बचने चाहिए।
वार्ड 33 यमुना कॉलोनी या यमुना कॉलोनी की पार्षद सुमित्रा ध्यानी हूँ। और हम जो है जब से ये कोरोना चल रहा है एक साल हो गया लगभग, और अभी फिर जो पहली वेब आई फिर अब दूसरी आ गई। पहली वेब में भी हमने बहुत मदद की लोगों की, और अब दूसरी आ गई तो उसमें जब तक एक महीना हो गया कम से कम लॉकडाउन हुए, तो जो जो जरूरतमंद लोग हैं जो रोज़ के 100 रुपये कमाने वाले होते हैं और शाम को उसको खाते हैं, तो लॉकडाउन होने से उनके सामने बड़ी रोजी का संकट, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। तो उनके लिए हमारे यहाँ पर 3-4 बस्तियाँ हैं मेरे वार्ड में, तो हमने समय समय पर जाकर उनकी पूछताछ करके उनकी मदद के लिए हम आगे आए। तो अभी भी हमने ये देखा कि भाई जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको हमने राशन बांटा। उस राशन में हमारे 5 किलो आटा था, चावल थे, दाल था, तेल थी, चीनी थी। तो ये ज़रूरतमंद लोगों को हम लगातार मदद कर रहे हैं, और मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में ज़रूरतमंदों की मदद करें, टीम इंडिया बन के काम करें, और हम इस कोरोना संक्रमण को हराएं, इस कोरोना संक्रमण को हम दूर करें, और सबकी हम मदद करें, जरूरतमंद लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। कोई इसमें अभी कोई राजनीति न करें, और मिलजुल कर हम इस काम को करें, और कोरोना संक्रमण को हम यहाँ से दूर भगाएं, इस संकट को हम दूर करें। 70 लोगों को राशन बांटा, 70 परिवारों को राशन बांटा। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।